बिलीव में भाई, ये पता है क्या, 125 रुपए का आम है, 9 दिनार का एक मिला हुआ है, हमने एक केडी 400 में 3 खरीदे थे, तो देख लो आप लोग। अभी इसका है ना काम तमाम करने जा रहा हूँ मैं, और रात के बज रहे कितने बजे, 9:30 बजे। मैं शुक्र गुजार रहूंगा जो अपनी जर्नी रहेगी ना, अभी 3,000 सब्सक्राइबर होने वाले, जब आगे चलकर 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000 ऐसे सब्सक्राइबर जब पहुंचेंगे ना, मैं इन लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। कि ये ब्लॉग जस्ट अभी काम करके और कमा के तो आ गया हूँ, अब चेंज वेंज करते हैं। तो आज का अवतार कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा, तो डेली लाइफ यही होती है भाई, डेली यही कपड़े पहनने हैं और यही कपड़े रखने हैं। बहुत लोगों का अच्छा अच्छा मैसेज आ रहा है, सबको रिप्लाई देना बाकी है। पहले जाता हूँ अंदर, चेंज करता हूँ, फ्रेश अप होता हूँ, फिर मिलते हैं। तेरी की कोई नहीं है, मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था कोई ना कोई तो होगा, मगर कोई नहीं। चलो तब तो वीडियो बनाने और आपसे बात करने का मौका मिलेगा और मजा भी आ जाएगा। तो क्या सीन है क्या नहीं है देखते हैं। चलो फटाफट पहले फ्रेश अप होते हैं। तो हाय लोग, ये देखो भाई अपना एक्सरसाइज पे लगा हुआ है, तो आ गया है तुम्हारा भाई। पहले एसी बंद करेंगे, आई डोंट वॉन्ट एसी, मुश्किल होता है, तो एसी बंद करते हैं। के बाद में स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। भाई मार रहा है, सही है, गुड जॉब। तो हियर वी गो, गिरना मारो, हमको मारो, जरूरी है ना, मैं बिना कोई गिरे काम होता ही नहीं आज तक। चलो अच्छा, तो मैं पहले रनिंग करूँगा थोड़ा टाइम, इसके बाद में अपना जो है चेस्ट का अपर बॉडी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड ईद भी आने वाली है तो बहुत अच्छी बात है, तो लेट्स गो, पहले मचाते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस जस्ट नाउ मैंने कितना भागा आपको दिखाता हूँ, 20 मिनट 39 सेकंड, 2.3 किलोमीटर का आपको लगा दिया तुम्हारे भाई ने, और अपना भाई बॉडी बना रहा है, देख सकते हो आप लोग। है एक्चुअली ड्राइवर रह के भी अपनी सेहत का ख्याल रख रहा है, बहुत बड़ी बात है। अब मेरा टाइम है, दिस इज़ माई टाइम, अब मेरे को ये पूरे सेटअप मारना है, 3-3 सेटअप सबके, और फिर बाकी सब बढ़िया ही है। मेंटल टफनेस कितना चाहिए यार यहाँ पे आने की, कभी फैमिली का याद आता है तो कभी घर वाले से लड़ाई झगड़ा होता है, तो कभी कोई मुंह फिला के रहता है, तो कितना मनाना पड़ता है अपने को लाइफ में। तो भाई अगर जिम जाते हो तो वो सब अफेक्ट नहीं करता अपनी बॉडी पर, नहीं तो पक्का में वो हो गया होता ख़त्म, मतलब ख़त्म इन द सेंस की मतलब डिप्रेशन में चला गया होता। और चलो मगर वर्कआउट करने से क्या है कि यार किसी चीज़ में भी लड़ने झगड़ने सबको पेल देंगे, और सब चीज़ में एकदम मतलब मेंटल टफनेस बढ़ जाता है। तो पहले थोड़ा सा पानी पियेंगे एंड अपना फिनिश करते हैं वर्कआउट। तो भाई अपनी वर्कआउट आज की मस्त हो गई है ख़त्म, ऐसा लग रहा है ना आपके भाई ने मचाया है। आपको एक बार मिरर में देखते हैं, अब तो लाइट भी नहीं लग गई है यहाँ पर, लग रहा है ना मचाया है कुछ। हाँ सही है भाई, ये तो लगना ही चाहिए क्योंकि कर रहा हूँ तो उसका फल तो देखना ही चाहिए, चाहे मिरर में देखूँ या फिर चाहे आप लोग का कमेंट हमें बताए। सही है, क्या दिख रहा है भाई, माशाल्लाह, थैंक यू आप लोग का ऐसी सपोर्ट, प्यार देते रहना यार। यूट्यूब पे वीडियो कोई वायरल चली जाए बहुत, मगर जैसे जाएगी तो ठीक है, नहीं जाएगी तो भी ठीक है, मुझे अपना काम करते रहना है और हमेशा करते रहना है। तो करते हैं दरवाज़ा बंद। सो गाइस मैं जब भी है ना अंदर वॉशरूम में जाता हूँ ना और नहाता हूँ मस्त एकदम एकदम मतलब फुल ओपन नकेड होके,
तो है ना, नहाने के बाद में फ्रेशअप व्रेशअप होके एकदम फाइनल जब रेडी भी हो जाता हूँ ना, जब आने लगता हूँ, तो भगवान का मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा जरूर करता हूँ हर रोज। ये मैंने अपने आप में ना प्रैक्टिस बना लिया है आने का, शुक्रिया अदा करने का। और मेरी एक बुक है यहाँ पर, मैं उसमें हमेशा लिखा हूँ थैंक यू सो मच गॉड ये जिंदगी देने के लिए और आज का दिन मेरा अच्छा बिताने के लिए, चाहे उसके अंदर गड़बड़ हुआ हो, चाहे कुछ खराब हुआ हो, चाहे कुछ अच्छा हुआ हो, तो ये शुक्रिया वादा मतलब जरूर करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उनकी कृपा थी, उनकी मेहरबानी थी, इसके लिए मैं आज कुवैत में आ पाया। अदरवाइज मैं भी वहीं धक्के खा रहा होता और मेरी भी लाइफ एकदम बदतर जैसी हो गई होती और हमेशा घर में झगड़ा हुआ करता पैसों को लेकर, बिकॉज अब दो बच्चे हैं, उनका दूध पानी देखना, मतलब बहुत कुछ चलता होता। मगर शुक्रगुजार हूँ मैं ऊपर वाले का कि आपने मुझे ये मौका दिया और मेरे थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो लोगों तक पहुँच भी रही है, उसी के हिसाब से मैं क्या खा पी रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, मेरी मम्मी मुझे देख ले पा रही है, मेरी वाइफ मेरे को देख ले रही है, तो ये मेरे को सब देखकर ना बहुत अच्छा लगता है। मेरी सिस्टर भी मेरे को देखती है, मैसेज करती है, बोलती है यार तेरा टाइम पे वीडियो नहीं आ रहा है क्या, वो भी पूछती रहती है। फिर बात मतलब अभी कुछ लोगों को मैं क्या बोलूं यार, मेरी पुरानी एक साल पुरानी वीडियो पर आके मेरे को गाली मार रहे हैं, भाई तू बकचोदी बहुत कर रहा है, एक ने तो उल्टा सीधा गाली लिख दिया था उसको, उस कमेंट को मैंने, हाँ हालांकि मैं अफेक्ट नहीं पड़ा बट ऐसा सोच रहा हूँ यार कैसे लोग हैं, कुछ भी उनका तो कुछ नहीं आता, कमेंट टिक 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 करके कमेंट भेज दिया, सामने वाले के ऊपर क्या बीतने वाली है, तेल लगाने गया चाहे वो कैसे भी सिचुएशन में रहे। बट अब से मैं ये एक और नया हैबिट सीख रहा हूँ कि यार किसी का भी ज्यादा बातों मतलब कमेंट सेक्शन से, मतलब जो आप लोग कमेंट करोगे ना उस मतलब बैड कमेंट की बात कर रहा हूँ, नॉट गुड कमेंट की बात कर रहा हूँ, जिनका बैड कमेंट आएगा ना साले लोग को इग्नोर मारेंगे और उनकी कमेंट पे कुछ भी जवाब नहीं देंगे, और क्योंकि बोलते हैं ना हाथी जाती है और कुत्ता भौंकते रहता है, सो आई डोंट वांट टू डू दिस वन अच्छे लोगों के साथ में। भाई जो लोग मेरे को दिल से देख रहे, अपना प्यार दे रहे, सपोर्ट कर रहे, उसके लिए शुक्रिया मैं शुक्रगुजार रहूंगा। जो अपनी जर्नी रहेगी ना, अभी 3,000 सब्सक्राइबर होने वाले, जब आगे चलकर 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000 ऐसे सब्सक्राइबर जब पहुंचेंगे ना, मैं इन लोगों को कभी नहीं भूलूंगा कि मैंने कहां से स्टार्ट किया है और कैसे कैसे मैं ग्रो कराऊ अपने लाइफ में, तो आप लोग मेरी जिंदगी का हिस्सा हमेशा रहेंगे। और बात रही उन नेगेटिव कमेंट वालों की, उन लोगों को हमेशा साइड में रखेंगे और दूर रहेंगे उनसे। भाई आप अपनी लाइफ में खुश रहो, मुझे मेरी लाइफ में खुश रहने दो, मैं जैसा भी हूँ आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। तो यार बस इतना ही था आज का ज्ञान, सच में बता रहा हूँ, वो कमेंट है ना दिमाग में घूम रहा था, तो मेरे को ये सीखना पड़ेगा कि हाउ टू डील विद द नेगेटिव कमेंट, ये भी होता है लाइफ है यार, चलो कुछ नहीं, कभी कभी सीखना जरूरी है, अगर आप लोग नहीं सीखोगे ना तो इसी तरह लटके रहोगे, तो सीखो और आगे बढ़ो। अभी फिलहाल मेरा चदरा किधर गया यार, अरे बेड है, मैंने ना 12:30 के डीवा खरीदा था और जो कंपनी ने मिला था ना उसको 6 महीने में मेरा वेट हैवी था ना, एकदम खड्डा हो गया था लाइक दिस, ये कंपनी का दिया हुआ है, तो ये देखो ये अंदर मेरा घुस गया था, तो इसकी वजह से मैंने इसको फेंका और डॉक्टर बेड लेके आया, तो जो कि मेरे रीढ़ की हड्डी के लिए सही रहे। तो इधर गया मेरा सामान, कहाँ गया भाई, इधर इधर, हाँ अब मेरे को इसको मैंने वॉशिंग पे कल डाल दिया था तो अभी ये सूख गया, वो देखो अपना खाना वहाँ पे रखा हुआ है, अभी बाद में खाएंगे, अभी फिलहाल तो चलो अभी इसको यहाँ पे फैला लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये तो मैंने लगा दिया, अब मस्त दिख रहा है, अब इसके ऊपर डाल देते हैं अपना कंबर और तकिया और बुक्स वगैरह, सो कि बहुत अच्छी बात रहेगी। मेरा आईफोन किट अभी तो हो गया रख के, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि काम कर लिया अपने, और जी हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल की वीडियो में मेरी कल की वीडियो में सीन अलग ही था, और हेल्थ कार्ड, मेडिकल कार्ड
और हेल्थ कार्ड होना बहुत जरूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है। मैंने हेल्थ कार्ड के बारे में शायद नहीं बताया था। हाँ, हेल्थ कार्ड जब आपका मेडिकल हो जाएगा ना तो आपको एक हेल्थ कार्ड मिलता है। वो हेल्थ कार्ड है ना आपके स्टोर में रहना बहुत जरूरी है, जहाँ पे भी आप काम करोगे ना, इसको बोलते हैं मदर स्टोर। और जी हाँ, और आपको बता दूँ, मेरे को इंस्टाग्राम से बहुत मैसेज आए हैं भाई, दबा के मैसेज आए हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का सीन क्या है कि यार आप लोग मैसेज कर रहे हो कि भाई मैं कोट फूड कंपनी में मेरा जॉब है और जॉब आने वाला है, वैकेंसी चालू है, क्या मैं आऊं कि नहीं आऊं। भाई आओ, आपको मौका मिल रहा है, आओ। कोट फूड ग्रुप अच्छा कंपनी है, काफ़ी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं यहाँ पर, समझे। और दूसरी बात, जॉब अच्छी है। और इतना लोग पूछ रहे हैं कि यार मेरे को और इन्फॉर्मेशन दो, सारी वीडियो बना रखा हूँ, मेरी वीडियो खंगाल लो, आपको सब कुछ, कोई हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही भाई, और आपके फायदे के लिए रहेगा। यहाँ पे लाइफ ऐसी होती है, ये सब मैं बता रहा हूँ। और आप लोग ऐसा थिंकिंग मत करो कि यार मैं खाली बकलोली कर रहा हूँ, नहीं, बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे पॉइंट मैंने बना रखे, बता रखे। प्लीज़ वीडियो को देखो, बहुत समझ में आने वाला है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं बता रहा हूँ, आप किसी और को पूछ सकते हैं, किसी और से बात कर सकते हैं, बाकी सब बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये छोटा सा वीडियो आया हो कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार, मेरा भी मनोबल बढ़ा दो, मैं भी एक इंसान हूँ, हर रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए यार। तो जो लोग प्यार करते हैं वो लोग का सपोर्ट मिलेगा ही मेरे को। और नेगेटिव कमेंट सब बाहर में जाओ यार, सब बाहर में जाओ, अपना काम करो और दूसरे को परेशान मत करो, ये बस। चलो, भूख लगी है जस्ट। मेरा मील था, मैं लाया था किसी और के लिए, मगर वो ये जो सब लोग काम पे गए, और कल तक रख नहीं सकता, नहीं तो खराब हो जाएगा। मेरे को वेस्ट नहीं करना है फूड, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा खा लेता हूँ, क्योंकि छोटा सैंडविच है और भूख भी लगी है, वर्कआउट करके आया हूँ, तो मेरा पोस्ट वर्कआउट मील ये हो जाएगा। चलो बाय गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।